हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, आपको आवाज़ आ रही होगी क्योंकि टीवी चल रहा है, राजा घर पे है और मूवी चल रही है। बट राजा और बोजो जो हैं वो दोनों सो रहे हैं, गूगल जो है वो भी सो रहा है, बट टीवी चल रहा है क्योंकि मैंने अभी आवाज़ म्यूट नहीं करी। मैं बाहर आ गई तो मैं जस्ट अभी एक शाल लेके आई थी, तो कल मैंने ब्लॉग नहीं किया। पता नहीं क्या हुआ, मेरा मन नहीं हुआ, मेरे को थकान सी लग रही थी और फिर मैंने जो ब्लॉग था वो स्किप कर दिया। तो इसलिए आज ट्यूसडे है और ट्यूसडे पे कोई ब्लॉग नहीं जाएगा, तो मुझे लगा कि देखेंगे अगर मैं लाइव जा पाई तो। एक्चुअली में क्या होता है कि मैं बैठ नहीं पा रही हूँ लाइव के लिए। जैसे संडे को मैं बहुत ज़्यादा थक गई थी तो, और हालत भी नहीं थी, और पता है एक आलस भी आता, संडे नाम सुन के आलस आने लगता, तो थोड़ा सा आलस भी था और उसके कारण फिर मैंने लाइव नहीं किया। तो मेरे को लगा आज अगर हो सका तो शायद मैं चली जाऊँ। तो अभी जो राजा है वो लंच करके सोए हैं। एक्चुअली में ये आने नहीं वाले थे और इनकी तो क्या हुआ, हम लोग की जो कार है उसमें ऑयल ख़त्म हो गया, तो पता नहीं कैसे इन्हें ऑयल रीचेक नहीं कराया, ऑयल पूरा सूख गया था और कार बंद हो गई। तो ये किसी काम से गए थे ऑफिस के बाद, और उसके बाद जब इनने कार में ऑयल डलवाया है तो गर्मी इतनी हो गई थी, घर पे आए, घर पे आके इन्हें रूह अफ़ज़ा पिया, फिर थोड़ी देर बाद इन्हें छाछ पी, फिर मैंने लंच वंच तैयार किया है, और उसके बाद फिर इन्हें बोला यार हमको नींद आ रही है, एसी चलाया, इन्हें खाना वाना खाया। आपको पता है गर्मियों में क्या होता है, कूलर हो एसी हो, अगर आप बाहर से आते खाना खाते हो उसके बाद आपको एक चीज़ आती है और वो है नींद। मुझे भी आ रही थी, पर मुझे लगा कि ऑलरेडी एक ब्लॉग जो है वो मिस हो चुका है, तो ये जो ब्लॉग है मैं मिस नहीं कर सकती हूँ। तो गाइज़ अभी एक बार ये उठ जाएँ तो मैं चाय वाय बनाती हूँ शाम की। और मेरा अल्ट्रासाउंड होना था वो अभी तक हुआ नहीं है क्योंकि हम लोग अभी तक गए नहीं, और जो स्टोन का जो दर्द था यहाँ पे वो अब दबाने पे भी नहीं हो रहा, मुझे सिर्फ ब्लोटिंग फील हो रही है और कुछ भी नहीं, सिर्फ ब्लोटिंग फील हो रही है। तो देखते हैं, हम लोग अल्ट्रासाउंड सोच रहे हैं एक हफ्ते बाद कराएंगे स्टोन वाला। बस अब कोई फीलिंग तो नहीं है कि स्टोन है या नहीं है, बस एक दिन बहुत बुरी क्रैम्पिंग थी मुझे, अब वो देखना पड़ेगा कि वो थी किस चीज़ की, अभी तक नहीं पता चला है कुछ भी मुझे। सो गाइस, अब मैं बना रही हूँ चाय, और ये पता है वो कितने घंटे बाद उठे हैं कितने घंटे, 5-6 घंटे बाद ना, 4 घंटे, कम से कम 4 घंटे तो ऐसे दबा के सोए, और उसके बाद ही मैं अभी चिल्लाई हूँ कि बहुत हो गया, उसके बाद जाके उठे हैं। क्या करता भाई, इसी चल रहा था दिन में, काम थका आ रहा है, खाना खाने आया था, नींद लग गई। मतलब सिर्फ सोने का काम बचा था राजा को आज, सिर्फ सोने का, फोकस करो। तो मैं अपना काम करके आई हूँ और मुझे भी और काम भी करना, मुझे 2-3 वीडियो शूट करनी है, तो मैं भी जाऊँगी। इसलिए मैंने जो मेकअप है उसमें से बेस क्लीन कर दिया है, बेस नहीं है मेरे फेस पे, बेस क्लीन किया, हल्का फुल्का होगा टिश्यू। अरे बिल्कुल फेस पसंद नहीं, बेस पसंद है, बेस, और सिर्फ आई मेकअप है। उफ, देखा इसका बहुत खतरनाक होता है। हाँ तो आई मेकअप है क्योंकि मुझे लगा आई मेकअप वीडियोस में अच्छा लगता है। तो अभी मैं चाय में चीनी डाल चुकी हूँ, मैं डालूंगी पत्ती और चाय जस्ट मेरे पर गिरते गिरते बची, और गर्म पानी था बिल्कुल, हादसा हो सकता था। चलिए मैं डालती हूँ। पता है आपको इतने धोखेबाज टाइप के हैं, ये मुझे छोड़ के जा रहे हैं, अभी ये जा रहे हैं ऑफिस, पहले सोते रहे, मेरे को लगा चलो मेरे साथ टाइम स्पेंड करेंगे, बट पहले ये सोते रहे और उसके बाद अभी तैयार हुए। मैंने बोला कि कहाँ जा रहे हो, और फिर उन्होंने बोला मैं ऑफिस जा रहा हूँ। मैंने बोला बहुत बढ़िया, बहुत गलत किया तुमने, आप बहुत गलत कर रही हो, चाय ना पिलो आके, तुमने मना किया है, मेरी चाय रखी है वहाँ पे, मैं तो रोज वाला पी लूंगा। आओ, क्यों कब से नहीं आते हो, इतने सूजे सूजे से खाना बनाओगे मेरे लिए आज? सूजा खाना बनाऊंगा, डिनर बनाओगे? क्यों, क्या खाओगे आप डिनर पे आज बताओ, बना दे मूंगफली वाले पैंडे, यू लव इट है, याद नहीं, भूल गई, कितने गंदे हो ना ऐसे बन, याद करो जिसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। अच्छा वो, हाँ वो जो उस दिन बनाए थे, वो 5 साल पहले बनाए थे। तो हम डॉक्टर के पास कब जाएंगे? हम डॉक्टर के पास अभी चलो। हाँ तो पता है आपको, डॉक्टर के पास जाना था हम लोगों को, दवाई करने, दवाई होने के बाद स्टोन की 7 दिन बाद, और अब कम से कम 15 दिन होने वाले। तो हम क्यों नहीं जा रहे हैं, आप ही नहीं चलते? देखिए आके सोए हैं और उसके बाद हम लोग, मेरी तो अभी भी आके चढ़ी है। हाँ आके सोए हैं और उसके बाद फिर बोल रहे कि मैं ही जा रही हूँ। तबीयत खराब, मुझे बॉडी पेन हो रही, क्या हम क्यों, मेरे को लग रहा है इसके कारण हुआ है। हाँ नहीं, यहाँ पे शायद बाल तोड़ हुआ है। ऐसा मत बोलो, बाल तोड़ नहीं, वो कोई फुंसी हुई, उसके कारण मेरे पूरे पिंपल नहीं लग रहा है, वो फुंसी ऐसे हुई थी उसके कारण मेरे पूरी गर्दन में यहाँ पे पूरे में दर्द है,
पेन हो रहा, हो सकता है उसके कारण बॉडी पेन हो रही है मेरे को। और ऐसे सोए हो ना तुम आज आके। बोझो पंजे मार रहा था चढ़ चढ़ के। बोझो, अरे बोझो को देखने सबको इतना टाइम हुआ। क्यों उसने देख पता है, रहा आप देखना नहीं, आप आपको दिखाऊंगी, उसने यहाँ पूरे में खून निकाल के रखा है अपने। हाँ पंजा मार मार के ऐसे। हाँ, उस वो अपने आप को ज्यादा स्क्रैच करता है, तो यहाँ पे उसको एक जख्म हो गया और उससे ब्लीडिंग हो रही है। मैंने उसे बीटाडिन लगाई है, तो बीटाडिन लगाने के बाद क्या होता है, वो दोबारा से घिस लेता है। उसको आदत है कि वो पता नहीं जमीन में ऐसे करके पागल हो जाता है वो। तो उसने अपने आप को यहाँ पे चोट लगा के रखी हुई है बहुत गंदी, और उसकी जो हालत है फिलहाल, वो पूरे बाल यहाँ से लाल हो रहे। मैंने टिश्यू से साफ किया, फिर बीटाडिन लगाई, और फिर दोबारा कुछ मैंने, हो रहा है इसमें? नहीं फाइल कॉपी करी थी उसके बाद, फिर मैंने दोबारा बीटाडिन लगाई, और फिर उसने ये कर लिया घिस के, और उसको फिर से यहाँ पे ब्लीडिंग ब्लीडिंग हो गई। तो मैंने मूंगफली जो है वो ड्राई रोस्ट करके रखी हुई है वहाँ पे, जैसे कि अभी अभी मैं चाय बना रही थी, जब मैं चाय बना रही थी तो आप लोगों ने देखा होगा वहाँ पे ड्राई रोस्ट होके मूंगफली रखी हुई है। तो मैं सोच रही हूँ मूंगफली वाले बैंगन बनाने की, बट मुझे अच्छा सा नहीं लग रहा, मतलब मुझे ना ऊपर ऊपर आ रहा है। पता है तुम्हें ऊपर आ रहा है क्या? अरे हाँ वो गंदा ऊपर आ रहा है यार, तुम तो सोए हो, मैं तो काम ही कर रही हूँ तब उसके से। कारण आ रहा है वो। पर मेरे को पता है मैं सोई नहीं हूँ, पर मैं तो काम ही कर रही हूँ गंदा यार। ऊपर आ रहा है, हाँ मेरा भी पता, मन मुझे अभी लग रहा क्या है हो उल्टा रहा क्यों है, लग रहा है। लग रहा है मैं खाना बनाऊँ, फिर मेरे को लग रहा है मूंगफली वाले बैंगन जो है वो रात के लिए वो हैवी हो हैवी होते जाएंगे, हैं हैवी यार। हो जाएंगे। तो मैं तो अपने लिए ओट्स बना लूंगी, राजा तुम्हारे लिए पोहा बना दूँ, है ना? अभी पता बिल्कुल, मतलब मेरे को लग रहा है कि मैं हल्का सा खा लूँ। और ओके कल पता है मैं आपको क्या किया मैंने, कल मैंने खाना खाया है रात के 12:30 बजे, छोले चावल। अब देखिए छोले चावल, मेरे को, मैं 5 बजे उठी, मैंने छोले चावल खाए भर के, इतनी भूख लगी। उसके बाद इतना खाने के बाद, तभी की तभी मैंने फिर शक्कर पारे रखे थे, मैंने इतने सारे शक्कर पारे खाए, और मैंने जब से बनाए थे तब से मैंने इतने नहीं खाए थे, मैं सिर्फ कंटिन्यूअसली खाती जा रही थी। उसके बाद बहुत मीठा जब मेरा मुंह हो गया, और एक टाइम के बाद मुझे लगा अंदर नहीं जा रहा है, तो भी मेरे को ऐसा लगा पेट खाली है। तो एक ओए ओए ओ यस, ओ यस है उसका नाम, आई थिंक मैं ओए ओए यस बोलती हूँ उसे, तो उसका कॉकटेल ये ला के रखे थे, तो मैंने वो भी खा लिया। और उसके बाद फिर मेरे को लगा कि मन पेट नहीं भरा, फिर मैं जाके जो हूँ लेटी हूँ, और फिर मेरे को लगा कि आज सुबह जब मैं उठूंगी तो मेरी तबीयत जो है वो काफ़ी ज़्यादा ख़राब हो जाएगी, क्योंकि मुझे पता है मैंने छोले चावल शक्कर पारे और ओ यस वो सब एक साथ खा लिया है, और इतने भुक्कड़ बने में खाया है। और सुबह जब मैं उठी तो पता नहीं सब डाइजेस्ट हो गया था, नहीं माना, सुबह सबको डाइजेस्टेड था। और अभी मैं काम कर रही हूँ, और जो दोपहर का खाना है वो ऐसा लग रहा है कि वो हजम नहीं हुआ है। तो जो राजा हैं वो अभी गए हैं, और सो सॉरी अब मुझे ऐसे कपड़े पहनने पड़े हैं। कुछ लोगों को पसंद नहीं है कि मैं थोड़े से स्ट्रिप वाले ऐसे कपड़े पहनूं, बट एक्चुअली मैं कुछ भी पहन रही हूँ ना, तो उसमें ऐसा लग रहा है कि मैं बस फट जाऊंगी। मैं चाहे कितना भी लूज पहन रही हूँ ना, उसके बाद भी ऐसा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा यहाँ से ब्लोटेड हूँ, हैवीली ब्लोटेड हूँ बहुत ज़्यादा। अब देखिए मेरा फेस फैट जो है वो नॉर्मल है, मेरा जो बॉडी फैट है यहाँ से, स्पेशली ये वाला जो एरिया है यहाँ से, और थोड़ा बहुत आर्म से भी, तो आर्म का वर्कआउट मैं करती नहीं हूँ इसलिए, तो इसलिए जो है थोड़ा सा वेट, बहुत ज़्यादा सा, थोड़ा सा नहीं बहुत ज़्यादा सा जो वेट था मुझे लग रहा था। तो एक्चुअली में क्या है, मैं पहले हॉट वाटर ले रही थी, मैंने आपको बताया था, और जब मैं हॉट वाटर ले रही थी तो मेरा 66 से 65 हो गया। अब देखिए मैं आपको एग्जैक्ट वेट बता रही हूँ अपना, और मैंने कल दोबारा से मेजर किया, मैंने हॉट वाटर जो है वो बंद कर दिया, मैंने कल दोबारा से देखा और वो फिर से 66 हो गया। मैं योगा जो है वो कर रही हूँ, बट मैं बहुत देर तक योगा नहीं कर पा रही हूँ, मैं ज़्यादा कोई वर्कआउट कर नहीं रही हूँ फिलहाल, मैं डांस भी नहीं कर रही हूँ, और मैं सिर्फ खा रही हूँ, मैंने आप लोगों को बताया मैं खा रही हूँ। तो मेरे पास कमेंट्स आ रहे हैं कि आप बहुत मोटी हो गई हो, और कुछ ऐसा भी आते हैं मोटी भैंस ऐसे ऐसे करके आ रहे हैं कमेंट्स। सो जो वेट मैं पुट ऑन कर रही हूँ उसके पीछे एक रीज़न है। अब जो रीज़न है 50-50% किसी कारण से है, मैं आपको इन फ्यूचर वीडियोस में बताऊँगी। तो एक रीज़न है मैं वेट पुट ऑन कर रही हूँ, और मैं अभी ज़्यादा कुछ कर नहीं पा रही हूँ उसके लिए, क्योंकि मैं नहीं कर सकती हूँ, क्योंकि मैं जब बात भी कर रही हूँ, अब देखिए मेरा जो सांस है वो फूल रहा है, तो फिलहाल मैं कुछ नहीं कर सकती उस चीज़ के लिए। तो जो वेट है वो अभी ऐसा रहेगा, क्योंकि जब तक मैं नहीं करूँगी कुछ तब तक तो होगा नहीं। और गर्म पानी पीने से मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लग रही थी, और मेरा, मैं आपको बता रही थी, मेरे होंठ वोट सब सूख गए थे, और कुछ प्रॉब्लम मुझे हुई थी, तो वो सब मैं आपको फ्यूचर वीडियोज़ में बताऊँगी। तो होंठ वोट सब सूख गए थे, और अभी जब मैं गर्म पानी पीने की कोशिश कर रही हूँ तो मुझे लग रहा है कि मेरे को वॉमिटिंग हो जाएगी, तो फिलहाल इसलिए गर्म पानी जो है वो ही मैंने बंद कर दिया है।
तो मेरे 3 दिन एटलीस्ट इस चीज़ को क्लियर करने में लगेंगे कि ये जो वेट पुट ऑन हो रहा है उसी के कारण हो रहा है। तो एक बार मुझे डॉक्टर के पास भी जाना है, जो कि हम लोग जा नहीं पा रहे हैं, पर एक बार मैं सोच रही हूँ सब कुछ क्लियर हो जाए तो आपको पता है मैं स्टोन के लिए भी जाना है मुझे, मैं उसके लिए भी नहीं जा पा रही हूँ। तो एक बार थोड़ी जो चीज़ें हैं अब वो क्लियर क्यों नहीं हो पा रही हैं वो मैं आपको फ्यूचर में बताऊँगी, क्योंकि अभी मैं खुद कुछ नहीं बता सकती, क्योंकि मैं खुद कुछ कह नहीं सकती उस बारे में, क्योंकि वो जो चीज़ें हैं ना वो श्योरिटी से नहीं आ रही हैं जिस तरह से पहले कभी या हमेशा हो जाता है कि आपको पता रहता है कि हाँ यार 100% श्योर हो। बट इस टाइम जो है कुछ ना कुछ प्रॉब्लम चल रही है, तो मे बी वो चीज़ या तो पूरी बिगड़ जाए या मे बी वो चीज़ हो जाए जो मैं आपको बता दूँ। तो अभी इसलिए मैं एकदम शांत बैठी हूँ, तो उसी कारण जो वेट है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हो रहा है मेरा, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ, सच में कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ। तो मैंने ये कपड़े इसलिए पहन लिए क्योंकि थोड़ा सा ये लूज़ है और मैं लूज़ चीज़ों में थोड़ा घूम पाऊँगी और मैं थोड़ी ढंग की भी लगूँगी। देखिए तो अभी मैं कुछ नहीं कह सकती, अभी मेरा वेट 66 है, हो सकता है 67 हो गया हो, कल रात को मैंने भयानक खाया है मैंने आपको बताया। तो अभी जो चीज़ें हैं वो मेरे कंट्रोल में नहीं है कि मैं कंट्रोल कर पाऊँ वेट। तो कोई भी ऐसा कमेंट मत छोड़िए कि मोटी भैंस और ये वो। सो गाइस पता है सबको एक टाइम पे हेल्थ इश्यूज होते हैं और हेल्थ प्रॉब्लम बहुत बेसिक बहुत नेचुरल चीज़ है जो हो जाती है। किडनी स्टोन की प्रॉब्लम थी या है कुछ नहीं पता है मुझे, पेन नहीं है पर मुझे नहीं मालूम है अभी, क्योंकि हम लोग को जाना था, मैंने आपको बताया कि हम लोग लेट हो गए। तो कई बार होता है कि आपको पता है आपका वेट बढ़ रहा है बट आप उसके लिए कुछ नहीं कर सकते हो। तो मैं फ़िलहाल उसी कंडीशन में हूँ कि मेरा वेट बढ़ रहा है पर मैं अभी एक्सरसाइज नहीं कर सकती हूँ। मैं थोड़ा सा अपने आप को टाइम दे रही हूँ और थोड़ा सा आप लोगों से भी कह रही हूँ कि थोड़ा सा आप जब भी बोल रहे हैं, मैं खुद जानती हूँ कि मैंने वेट पुट ऑन किया है। मैं 60-61 से 66 पे आई हूँ और ये अभी हुआ है, गोवा में थोड़ा सा वेट पुट ऑन हुआ था मेरा और उसके बाद फिर जो ये वाला महीना है ना उसे मैंने बहुत वेट पुट ऑन किया है। और आप लोग जानते हैं मैं दवाइयों पे भी थी, कई बार दवाइयों के कारण भी आपका वेट बढ़ता है। मैंने अपनी जो फॉलिक एसिड वगैरह थी वो सब बंद कर दी थी, जो मेरी अभी किडनी स्टोन की दवाइयाँ थी, सीरप था वो सब था, तो उसके कारण भी वेट पुट ऑन हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो वेट पुट ऑन करने के लिए है अभी, और अभी मैं फ़िलहाल वेट कम नहीं कर सकती हूँ। तो जो भी चीज़ होगी मैं आपको इन फ्यूचर जैसे ही मुझे क्लियर होगी मैं आप लोगों को बता दूंगी, क्योंकि मेरे लिए आप फैमिली हो। जिस तरह से भी जो चीज़ें क्लियर होंगी वो मैं आपको बता दूंगी, क्योंकि क्या होता है अगर आप कुछ चीज़ें मुझसे सीखते हैं तो कुछ चीज़ें आप मुझे बताते हो तो वो मुझे समझ में आती है कि हाँ यार ऐसा करना चाहिए, हाँ ये। तो कहते हैं ना विचारों का आदान प्रदान, एक्सचेंज ऑफ थॉट्स बहुत अच्छी चीज़ है यूट्यूब में, कि आप अपनी जो चीज़ें वो एक्सप्रेस कर सकते हैं और जो आप लोग हैं वो बता सकते हैं कि नहीं दीदी ये गलत है, नहीं ये सही है। तो ये सब चीज़ें बहुत अच्छी रहती है, तो मेरे को लग रहा है कि मैं जो भी रहेगा वो शेयर करूँगी। बट फिलहाल मेरे को आप एक हफ्ते का टाइम दे दीजिए, क्योंकि अभी मैं खुद पहले क्लियर हो जाऊँ, क्योंकि मेरे लिए जो चीज़ें हैं वो ऐसे चलती हैं कि एक दिन सब क्लियर है, एक दिन सब अनक्लियर, बहुत ज़्यादा कश्मकश में है। और अभी मैं शेयर भी नहीं कर सकती हूँ उन चीज़ों, क्योंकि पता है अजीब अजीब से कमेंट्स की उम्मीद भी रखती हूँ मैं उस चीज़ों के लिए। तो एक बार मैं जो चीज़ें हैं उन्हें सॉर्ट आउट कर लूँ, एक बार मैं डॉक्टर को विज़िट कर लूँ, एक बार मैं सब कुछ पता कर लूँ, एक बार मैं ये देख लूँ कि कहीं मुझे PCOD तो नहीं है, एक बार मैं देख लूँ कहीं किडनी स्टोन की कारण तो नहीं है, और एक और जो चीज़ है उसके लिए वो भी देख लें कि वो भी है या। तो उसी चीज़ के लिए जो है ना वो हम लोग थोड़े ऊपर नीचे हो रहे हैं, और मैं आपको बताऊँगी आपको सब समझ में आ जाएगा कि मैं आज किस बारे में बात कर रही हूँ। अनक्लियर है सारी बातें, आई एम सो सॉरी, बट शेयर करना था कि कुछ भी ऐसा कमेंट करने से पहले 10 बार सोचिए कि किसी को हेल्थ इशू रह सकते हैं, आपको भी हेल्थ इशू हो सकते हैं या आपके जानने वालों को भी हो सकते हैं, और वो कई बार आपके अपने वेट के लिए कुछ कर भी सकता है ऐसी कंडीशंस में। तो फिलहाल मैं अपने वेट के लिए कुछ भी नहीं कर सकती हूँ, अगर सब चीज़ें क्लियर हो जाती है तो एक हफ्ते बाद से मैं अपना जो वेट है वो कंट्रोल करने लगूंगी। एक तो चलिए एक बार राजा का वेट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं देखती हूँ मैं खाने में क्या बनाऊँगी। मैं मूंगफली नहीं सोच रही हूँ बनाने की बैंगन, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवीनेस लग रही है मुझे यहाँ पे। तो मैं सोच रही हूँ कि मैं अपने लिए ओट्स बनाऊँगी और राजा जो भी हल्का फुल्का खाएंगे, क्योंकि ओट्स जो है वो डाइजेस्ट हो जाएंगे मुझे। बट फिलहाल तो मैं कुछ भी नहीं खाने वाली हूँ। सो गाइस चलिए थोड़ी देर बाद मैं आपसे मिलती हूँ। सो गाइस मैंने जो पोहा है वो बनाया है अभी, मैं अपने लिए ओट्स जो है वो अभी नहीं बनाऊँगी, मेरा मन नहीं कर रहा था ओट्स खाने का अभी, तो मैंने जो पोहा है वो बना लिया है। तो मैं अगर थोड़ा सा खाना होगा तो वो खाऊँगी,
और ओट्स अगर मुझे लगता है तो मैं खाऊंगी। और अभी मैं जो ओट्स खा रही हूँ मैं आपको दिखा रही हूँ, मैं अभी खुद से जो ओट्स हैं वो बनाना शुरू करूंगी लाइक वेजिटेबल वगैरह डाल के। बट अभी मैंने कुछ फटाफट बनाने के लिए लेके आई थी मैं, और वो है ये है सफोला वेजी ट्विस्ट। और पता है सीरियसली बहुत अच्छे लगते हैं खाने में, और राजा जी से देख के बोलते हैं कि अह मुझे देख के मन नहीं हो रहा, क्योंकि थोड़ा सा खिचड़ी टाइप का लगता है ना बनना बन के, इसलिए राजा को देख के मन नहीं होता इसे खाने का, पर बहुत टेस्टी लगता है। तो इसके मैं 4 पैकेट लेके आई हूँ। ये एक जो मैंने खोला है, ये सुबह मैंने इसे नाश्ता किया था, और मैं सोच रही थी कि डिनर भी इससे करूँ, बट फिलहाल अभी मेरा मन नहीं हो रहा है। अभी जो पोहा है उसके लिए मैंने आलू प्याज जो है वो फ्राई कर लिए हैं। ये टॉप मैंने ब्लैक के ऊपर ही पहना हुआ है इसलिए आपको बेल्ट दिख रही है। तो चलिए जो पोहा है मैं डालती हूँ, मेरे जो आलू प्याज फ्राई हो गए हैं, और फटाफट जो पोहा है वो रेडी हो जाएगा और मैं लेके जा रही हूँ पोहा। खाना है वो खा लिया, और अभी मैं अपना फेस वॉश करके आई। मेरे फेस पे बहुत मेकअप था तो वो मेकअप मैंने निकाल लिया है, और लिप बाम मैंने लगा लिया है, और अब मैं बस क्रीम लगाऊंगी और उसके बाद सो जाऊंगी। ओट्स, और ओट्स में हल्के से ऐसे बनाती हूँ, ऐसे लाइक दलिया टाइप की, मतलब हाँ गीले से ही हल्के से, क्योंकि गीले अच्छे लगते हैं। तो ऐसे जब मैं दलिया बनाती हूँ तो वो भी हल्का सा बनाती हूँ, तो मुझे मतलब कि गीला सा बनाती हूँ, तो मुझे ना उठते साथ ही भूख लग रही थी, तो ये मेरा बेस्ट ऑप्शन है और हेल्दी ऑप्शन भी है। बेस्ट ऑप्शन है, हेल्दी ऑप्शन है। तो अभी क्या होता है, जैसे मुझे कई भूख लगती है तो मैं मैगी ना खा के ये खा लेती हूँ। पहले मैं मैगी बना लेती थी, कुछ बना लेती थी, बट अब मुझे लगता है इससे बेस्ट क्या होगा। और सीरियसली आप में से किसी ने उससे कहा था कि आप ओट्स खाना शुरू करो, हेल्दी रहते हैं। और तो मैं नॉर्मल ओट्स नहीं लाई जो मैं खुद बनाऊँ, बट मैं ये लेके आ गई क्योंकि मेरे को लगा पहले इससे ट्राई करते हैं और फिर वहाँ तक पहुँचते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो सकती है मुझे खाने में, बट इसके साथ स्टार्ट करने के बाद मुझे लग रहा है अभी इसी को खाती रहूँ, मतलब मैं इससे सुपर एडिक्टेड हो गई हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा टेस्टी है। सो गाइस, पता है आपको, मैं ब्लॉग्स में कुछ कर नहीं पा रही हूँ, जैसे कि आप लोग अभी देख रहे हैं, मैं कोई काम भी नहीं करा, मैंने कुछ भी नहीं किया। तो अभी जो चीज़ें हैं ना वो बहुत अच्छी नहीं चल रही है मेरी लाइफ में, मतलब अच्छी भी नहीं है बुरी भी नहीं है। और फिलहाल मैंने आप लोगों को कल ही कहा था कि पता है समझ में नहीं आ रहा है कुछ भी, तो स्टिल वही कंडीशन है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तो एक हफ्ते बाद जो भी है पूरी कहानी समझ में आ जाएगी, क्या है क्या नहीं है। तो बहुत ज़्यादा मतलब मेरे को समझ में ही नहीं आ रहा है कि मेरे साथ क्या हो रहा है, जो आज तक नहीं हुआ वो हो रहा है मेरे साथ। तो मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है कि हो क्या रहा है। मुझे पता है बहुत सारे लोग थोड़े गुस्सा हो जाएंगे कि मैं बातें घुमा रही हूँ और ये कर रही हूँ, बट फिलहाल मैं उस बारे में क्लियर भी नहीं कर सकती। बट ये कह सकती हूँ कि या तो कुछ बहुत अच्छा है या कुछ भी नहीं है, बस ये चीज़ें हैं। तो देखते हैं, एक हफ्ते में पता चलेगा सब कुछ। और एक हफ्ता इसलिए पता तो अभी चल जाना था, बट जो भी चीज़ें हैं वो पता नहीं चल पा रही है, और सब कुछ बहुत गड़बड़ा गया मेरी लाइफ मेरी लाइफ में सब कुछ ऐसा लग रहा है, पता नहीं कहाँ उथल पुथल क्या मच गई है एकदम से। और ये हुआ क्यों है, क्या है, किडनी स्टोन की प्रॉब्लम ऑल ऑफ द सडन समझ में नहीं आ रही है, दर्द तक चला गया है, कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है मुझे, मेरी लाइफ कहाँ भाग रही है, क्या हो रहा है। तो इसलिए मेरा जो काम में मन था वो भी नहीं लग रहा था, सीरियसली मेरा काम में मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस्ड थी और हूँ। तो जब भी मैं अकेले बैठती हूँ तो मैं या तो गूगल पे होती हूँ,
या खा रही होती हूँ या सो रही होती हूँ. तो आजकल मेरा तीन काम हो गया. आई थिंक मैं कुछ ज़्यादा चीज़ें पढ़ भी रही हूँ. आपको पता है मुझे बहुत पसंद है रीड करना. अगर मुझे कुछ पता है कि अरे ऐसा कुछ हो रहा है या फिर ऐसा है तो मेरे को हमेशा चाहिए गूगल में रीड करना. उसके बाद फिर मैं 5-6 दिन जब तक वो चीज़ सॉल्व नहीं हो जाती बाई डॉक्टर या बाई माई सेल्फ या बाई नेचुरली, तो मैं तब तक गूगल में लगातार पढ़ाई करना, पढ़ते रहना मतलब रिसर्च करके कुछ ज़्यादा ही नॉलेज ले लेना, और मैं वही करती रहती हूँ. उसके कारण मुझे कई बार मेंटल प्रेशर होता है, कई बार मुझे फिर लगता है कि क्या हो रहा है, कई बार मुझे खुशी भी होती है कि अरे यार हाँ, मतलब चीज़ें जो है वो बहुत अजीब सी हो रही है. मैं बहुत जल्दी आप लोगों को बता दूंगी, अच्छा है तो अच्छा है, बुरा है तो बुरा है, मैं आपको सब बता दूंगी. सो गाइस चलिए मैं आपसे मिलती हूँ कल विद न्यू ब्लॉग. सब्सक्राइब कर लीजिए, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में. बाय.